हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो से हमें इस बात का पता चलेगा, अगर आप देखेंगे तो, कि ये नेगेटिव स्टॉक और नेगेटिव कैश ये दिक्कत क्यों आती है। इसके लिए पहले भी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं, वो पूरा ही टैली फाइनेंशियल ईयर से लेके हर एक चीजें सन्डी डेटर सन्डी क्रिएटर ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश मैंने की है इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमेंट भी आया हुआ था सर, प्राइम में जो है नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, तो नेगेटिव स्टॉक क्यों आता है ये चलिए भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है वाउचर एंट्री पास करनी है। इससे भी पहले देखना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्योंकि स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं बार बार। तो ये देख लीजिए, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, देख सकते हैं 1/4/2019 से 31/3/2020 ये फाइनेंशियल ईयर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, अब 31/3/2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, ठीक है, ये वाला जो हमने बनाया है कंपनी उसका। तो इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहां पे रख लिया 31/3, नीचे ये 2 में रख लिया 31/3/2020, ठीक है, और 31/4/2020 की एंट्री पास करनी शुरू कर देते हैं और नीचे आता है द डेट ईयर। अब उनको ये समझ नहीं आता है अब गलती कहां हो रही है और इस बात को लेकर के वो परेशान हो जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर से गलती हो रही है, ये गलती आप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली एंट्री आप जानते हैं टैली में कि कैश रिसीव कराने की होती है कंपनी में। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, सोनू मल्टी स्टोर, ठीक है, और दो पार्टीज का लेजर भी हमने बनाया है, वो भी दिखा देता हूं, सन्डी डेटर और क्रेडिटर पार्टी का। तो यहां आते हैं और ये राजेश कंप्यूटर वर्ल्ड है और यहां पे सोनू प्रोविजन है, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। तो ये देख सकते हैं सोनू प्रोविजन जो क्रेडिटर पार्टी है हमारी, किस तरह से ये लेजर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं यहां पर राजेश कंप्यूटर वर्ल्ड पे, ये जो है हमारी डेटर पार्टी है, यानी ये माल परचेस करेगी। तो ये देखिए इस तरह से ये लेजर हमने क्रिएट किया, इसे डाला है हमने अंडर सन्डी डेटर के ग्रुप में, ठीक है। अब बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए, यहां पर आने के बाद पहली एंट्री हमें पास करनी है। तो वी प्रेस कर लेता हूं और हम भी चलिए वही गलती कर देते हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये यहां पर हमने बिल नंबर डाल दिया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहां पे डेट आ रहा है 1/4/2019। चलिए 1/4/2019 में ही एंट्री हम पास करते हैं और यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो सोनू प्रोविजन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो एंटरप्रेस किया, इसको लगा दिया, एंटरप्रेस करते हुए नीचे आ जाइए, एंटरप्रेस कीजिए और फिर नीचे आइए, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आपको लगाना है, ये लगा दिया हमने, ओके। अब यहां पर क्या करना है, एक स्टॉक आइटम की जरूरत है, ठीक है। स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक स्टॉक आइटम बनाता हूं कीबोर्ड के नाम से, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ये कीबोर्ड के नाम से स्टॉक आइटम बना रहा हूं। अगर कोई किसी ग्रुप के अंडर में डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं, यहां पे आते हैं यानी नीचे आते हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं यूनिट आ रहा है, तो आइटम हमने बना रखा है। यूनिट बनाने के लिए क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना, ये आ जाएगा, इस चीज को आप फिल कर लीजिएगा, फिर आपका यूनिट क्रिएट हो जाएगा। बिना यूनिट क्रिएट किए जाएंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली प्राइस पे चला जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आइटम बना लिया हमने और यहाँ पर अगर आप अलग से टैक्स रेट देना चाहते हैं, जीएसटी मैंने एप्लीकेबल कर रखा है, इनेबल कर रखा है, तो अलग से टैक्स रेट देना चाहते हैं तो यहां से आप दे सकते हैं। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस कर देता हूं, तो ये आ गया। अब देखिए हमारा कर्सर क्वांटिटी में आ रहा है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने यूनिट बनाया है। अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली अमाउंट में कर्सर चला जाएगा और फिर आपको होगी परेशानी। यहां 100 आइटम कीबोर्ड के परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर एक आइटम की कीमत पड़ रही है ₹120, ठीक है, कीबोर्ड की। एंटरप्रेस किया, अब यहां पर जीएसटी जैसा कि आपको मैंने बताया इनेबल कर रखा है और जीएसटी के लेजर भी क्रिएट कर रखे हैं, तो ये देखिए सी जीएसटी हो गया और फिर ये एस जीएसटी हो गया, लगा दिया दोनों लेजर, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस कर लिया, ये एक्सेप्ट हो गया, यानी पहली एंट्री हमने पास कर ली है, ठीक है। अब नेगेटिव स्टॉक की दिक्कत आएगी क्यों, तो फिर एक बार वी प्रेस करता हूं, एफ8 प्रेस कर लेता हूं। अब जो माल परचेज हुआ है उसे सेल किया जाएगा, तो सेल करने के लिए हमें कहां जाना होगा, हमें जाना होगा डेटर पार्टी। यहां पे पहली बार जब हमने परचेज किया था तो उस समय क्रेडिटर पार्टी का लेजर आया था पार्टीज अकाउंट नेम में, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हमें राजेश और कंप्यूटर वर्ल्ड, ये जो हमारी लोकल सप्लायर पार्टी है, इसका लेजर हमें लगाना होगा, यानी कि डेटर पार्टी का। तो ये लगा दिया हमने, एंटरफेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पे आ गए और यहां पर आने के बाद सेल्स अकाउंट का लेजर, वहां परचेस अकाउंट लगा रहे थे, यहां सेल्स अकाउंट लगा दिया, यहां पर आएंगे। अब यहां पर कीबोर्ड हमने लिया था ना, तो कीबोर्ड ले लिया, कितना आइटम है हमारे पास कुल मिला के, 100 आइटम। चलिए 100 आइटम यहां डाल देते हैं,
डाल दिया, यानी 100 आइटम हम सेल भी कर रहे हैं और एक आइटम हम सेल कर रहे हैं 220 रुपए का, खरीदा 120 का, सेल करना है 220, कुछ प्रॉफिट होगा हमको। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है वो लगा दीजिए, सीजीएसटी आ गया फिर एसजीएसटी आ जाएगा, अगर लोकल स्टेट की बात है तो यही लेजर आएगा, ठीक है, अदरवाइज आईजीएसटी लगेगा। अब यहां पर हमने दोनों एंट्रीज पास करा ली हैं, अब दोनों एंट्रीज को देखना है तो यहां से दो बार डी प्रेस करके दोनों एंट्रीज को देख सकते हैं। लेकिन एक गलती हमसे हो गई है, ये जो राजेश कंप्यूटर वर्ल्ड वाली एंट्री है जो कि हमने सेल्स वाउचर में की है, इसमें हम डेट चेंज करना भूल गए थे। तो डेट कैसे चेंज होगा, तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी डिलीट, तो अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ऐसे डिलीट हो जाएगी ये एंट्री, ठीक है। अब हमको डेट चेंज करना है, ठीक है, अभी तक हम 1 अप्रैल के डेट में काम करते रहे, अब हम 1 मई के डेट में चलेंगे, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे और 1/5/2020 ये हमने कर दिया, 2019 सॉरी, तो ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, अब यहां पे डेट चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जो भी आप एंट्री करेंगे तो वो 1 मई में जाएगा, तो यहां पे आ जाइए राजेश कंप्यूटर वर्ल्ड, यही हमारी पार्टी है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अगर आप डेट भी चेंज करना भूल जाए तो ऐसे करके उस चीज को डिलीट कर दीजिए और फिर से दोबारा एंट्री पास कर दीजिए, यहाँ पे आ गए। और फिर यहाँ पर कीबोर्ड लिया था हमने, तो कीबोर्ड 100 आइटम था, तो 100 आइटम हम सेल कर रहे हैं, ये सेल किया और एक आइटम 220 का ऐसे किया था हमने। अब फिर यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये सीजीएसटी लगा दिया, देख रहे हैं आप, और फिर एसजीएसटी, तो ये एसजीएसटी भी लगा दिया, ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं आप, फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, ये दोनों एंट्रीज पास हो गई है, इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे। अभी देखिए सिर्फ एक ही एंट्री दिखाई पड़ रही है, कंफ्यूजन यहां पर भी क्रिएट हो जाती है कि सर मेरा तो एक ही एंट्री, अरे भाई डेट आपने चेंज कर दिया है, 1 मई के डेट में आ गए हैं, वो एंट्री यानी परचेज अकाउंट वाली एंट्री जो पास की थी, परचेज वाउचर वाली, वो आपने पास की थी 1 अप्रैल के डेट में, तो F2 बटन प्रेस कीजिए और यहां से डेट चेंज कर लीजिए 1/4/2019, ये इस तरह से एंटर प्रेस कीजिए। और अब यहां से बाहर आके और दो बार डी प्रेस कर लेता हूं, ये आ गए, यहां पर देख सकते हैं कि वो एंट्री भी आपको दिखाई पड़ रही है। प्रिंट देना हो तो बहुत आसानी के साथ अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ, ये प्रीव्यू है आपका, देख सकते हैं आप, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। सोनू मल्टी स्टोर नाम है, इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, और ये इस तरह की चीजें, जैसे मान लीजिए इस पे लिखा हुआ जय महाकाल, तो इस तरह की चीजें आप अगर लिखा हुआ लाना चाहते हैं, कोई अपने दुकान का नाम लिखता है, कोई किसी चीज का नाम लिखता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया है सेपरेट, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके, टेलीप्राइम में जाके, और फिर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है टेलीप्राइम की, वहां से आप ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉमेंट करिएगा तो मैं लिंक दे दूंगा उसका। चलिए अब यहां से बाहर आ जाता हूं, बाहर आ गए, ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, जैसे मान लीजिए हमने 100 आइटम परचेस किया और 100 आइटम सेल भी कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने 100 आइटम परचेस किया है उन्होंने 100 आइटम सेल भी कर दिया। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि जब आप दोबारा से वही आइटम सेल करने जाएंगे, देखिए यहां से F8 प्रेस करता हूं, अब आते हैं कहां पे, ये देखिए ये सोनू प्रोविजन, ये क्रिएटर पार्टी है और ये डेटर पार्टी है, तो यहां पे आ गए, एंटर प्रेस किया, अब फिर सेल्स वाउचर में एंट्री पास कर रहा हूं, देखिए नेगेटिव स्टॉक क्यों आता है, इसीलिए आता है। अब ये सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया, अब कीबोर्ड लिया था ना हमने, कीबोर्ड के कितने आइटम मौजूद है, 0 आइटम, लेकिन हमको कुछ पता नहीं होता, हम डायरेक्टली एंट्री पास करते हैं, यहां पे आ गए और यहां पे मान लीजिए एक भी आइटम आप एक्स्ट्रा बेच देंगे तो नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा। जैसे एक आइटम ही मैं कर लेता हूं, यहां क्वांटिटी एक रखी, अब तुरंत यहां वार्निंग आएगी नेगेटिव स्टॉक की, प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, तो यहां है ही नहीं तो बेचेंगे कहां से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पहले स्टॉक में वो होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परचेज करना पड़ेगा तभी आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। परचेज कहां से होगा, परचेज यहां से होगा, वाउचर में जाइए और फिर यहां पर F9 प्रेस कर लीजिए परचेज वाउचर के लिए, और यहां से आप परचेज कर सकते हैं, तो यहां पे जाइए और फिर एंटर प्रेस कीजिए 1 अप्रैल 2019 के ही डेट में, मैं यहां पे परचेजिंग करा रहा हूं इसमें, और ये सोनू प्रोविजन स्टोर ये जो है हमारी पार्टी है, और यहां पर आ गए परचेज अकाउंट। अब कीबोर्ड लिया था ना, तो कीबोर्ड के 20 आइटम और परचेज कर रहा हूं, ठीक है, ये परचेज कर लिया, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अच्छा यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी भूल गया, तो ये यहां पे लगा लेता हूं सीजीएसटी, और फिर यहां पे एसजीएसटी भी लगेगा, तो ये कर लेता हूं एसजीएसटी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हो गई एंट्री पास, ठीक है। अब बात करते हैं इतनी एंट्री पास करने के बाद हमें अब सेल करना है, तो वापिस से चलते हैं वी प्रेस करके, कहां F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए, ठीक है, और ये राजेश कंप्यूटर वर्ल्ड यही तो हमारी पार्टी है, ठीक है, लोकल सप्लायर, एंटर प्रेस किया और यहां पर आ गया सेल्स अकाउंट आ गया। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो फिर वापस से कीबोर्ड, कितने आइटम मौजूद है, पहले 0 दिखा रहा था, 20 दिखा रहा है ना,
अब देखिए यहाँ पर आइए, अब 200 के 200 आइटम भेज दीजिए, लेकिन 21 नहीं भेज सकते। देखिए जैसे ही आप 21 करेंगे यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ गया, वार्निंग। ये कारण है नेगेटिव स्टॉक आने का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 12 आइटम भेज सकते हैं, 15 आइटम भेज सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं, जैसे कि उससे एक्स्ट्रा नहीं भेज सकते आप, जितना है उतना ही भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर 220 रुपए कर देता हूँ, फिर वापिस से एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है लगा लीजिए, सीजीएसटी लगा दिया, एसजीएसटी लगाएंगे, ये लगाया हमने एसजीएसटी, ओके। तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ रही होगी। अब नेगेटिव स्टॉक तो हो गया, नेगेटिव कैश की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, उधारी का माल परचेस कर रहे हैं, उधार वाला, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में आपको पेमेंट भी देना है, दोनों पार्टीज को देना है, डेटर पार्टी को भी, क्रेडिटर पार्टी। तो देखिए कैसे होगा ये, तो यहां पर आ जाता हूं सीधा बाउचर में, और अब पेमेंट बाउचर के लिए F5 प्रेस कर लेते हैं। आ गए, अब यहां पर आते ही अब ये देखिए, ये हो गया सप्लायर का इनवॉइस नंबर, और 1 अप्रैल का डेट है, ठीक है। लेकिन हम पेमेंट कब करेंगे इसका, जो भी हमने परचेस किया है उसका पेमेंट हम करेंगे कब, एक यहां पे देखिए 1 अप्रैल है ना, अगर आप 1 अप्रैल के ही डेट में पेमेंट कर देते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए, ये आ गए। अब यहां पर जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है उसको पेमेंट करना, ये देखिए यहां पे आ गए। तो यहां पे हमें क्या करना है, सोनू प्रोविजन जो दिया है ना यहां पे इसको लेके आना है, ठीक है। अब कितना अमाउंट डेबिट करना है, 16,992 रुपए, ठीक है, 16,992 रुपए नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इंटरफेस किया, अब देखिए यहां पर अपने आप कर्सर अगेंस्ट रेफरेंस पे आ जाता है, ठीक है, वो बिल नंबर आ जाएगा। देखिए ये दो बिल है तो आप देख सकते हैं, और इंटरफेस करता हूं, इंटरफेस करता हूं, इंटरफेस करता हूं, और इंटरफेस कर देता हूं, तो ये पेमेंट हो गया, ठीक है। पहले का भी कुछ बकाया था वो भी पेमेंट हो गया, और ये भी पेमेंट हो गया, दोनों सब चीजें पेमेंट हो गई, कुल मिला के 16,992 रुपए, ठीक है। इंटरफेस किया, अब ये कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कैश कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर कहानी शुरू हो जाती है उल्टी, यहां पे ये रेड में दिखाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव कैश, क्योंकि कैश तो आपने कंपनी में शुरू में रिसीव कराया नहीं था। प्रॉब्लम यहां आ जाती है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए इसको सही कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। यहां पर आ जाइए और चले जाइए आप अपने कंपनी में, और आ जाइए रिसिप्ट बाउचर में। रिसिप्ट बाउचर के लिए जैसा कि आप जानते हैं F6 प्रेस करते हैं, F6 मैंने प्रेस कर दिया, और यहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर जो भी है वो दे दीजिए, ये दे दिया, और यहां पर 1 अप्रैल के ही डेट में मैं कैश रिसीव करा रहा हूं। तो कैश नहीं बोलते, ठीक है, कंपनी में पैसा लगाने को, जो भी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करो, और यहां पर लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये लिख लिया हमने, और एंटर प्रेस करते हुए इसे करा लीजिए। एक्सेप्ट जीएसटीआईएन नंबर वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये मान लीजिए हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया, अब ये डेबिट का ऑप्शन आ गया, तो हम कैश रिसीव करा रहे हैं कंपनी में, ये कैश रिसीव करा दिया 1 अप्रैल के डेट में। अब जब आप एंट्री पास करेंगे, यानी बी पे गए, वाउचर वी प्रेस करके और वाउचर एंट्री पास करनी है हमें, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री पास कर रहा हूं, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर हो गया, और 1 अप्रैल के ही डेट में ये पेमेंट भी कर रहा हूं, तो अब डेबिट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिटर पार्टी जो हमारी है वो राजू सोनू प्रोविजन है, और 16,992 रुपए पेमेंट करना था, तो उस समय आ रहा था नेगेटिव कैश, ये आ गए अगेंस्ट रेफरेंस, और ये दोनों बिल के अगेंस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूं, तो ये कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए कोई भी नेगेटिव वार्निंग नहीं आई आपके पास, इस तरह से करके आप सही भी कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं जो हमने डेटर पार्टी वाला एंट्री पास किया था उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे दो बार डी प्रेस करता हूं, और यहां पे देख सकते हैं सेल्स में एक एंट्री पास की है हमने, ये देख सकते हैं राजेश कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है, यही एंट्री है ना। कुल मिला के कितना पेमेंट करना है, 3,115 रुपया, ठीक है, 1 अप्रैल के ही डेट में है। तो चलिए आइए चलते हैं। अब देखिए जो एंट्री पास होगी डेटर पार्टी के लिए, उसे हम रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे, ठीक है। डेटर पार्टी खरीदेगी ना, दो पार्टीज होती हैं, एक ग्राहक होता है और एक दुकानदार होता है। तो दुकानदार बेचेगा तो क्या वही पेमेंट करेगा क्या, नहीं, तो अगली पार्टी जो खरीदेगी सामान वो पेमेंट करेगी, ठीक है।
तो पेमेंट करेगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पैसा रिसीव करेंगे, आप दुकानदार हैं तो आप अपने यहाँ पैसा रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, ये सब हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और फिर वो चीजें होंगी नहीं आपसे, फिर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कहीं से सोल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें बताइए, मैं आपको वो सोल्यूशन दूंगा, पूरा हेल्प करूंगा, इंटरफेस करता हूं, ठीक है। अब आते हैं रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। अब ये F6 प्रेस करके आप रिसिप्ट वाउचर में आ जाइए, यहाँ कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, इंटरफेस कीजिए। यहाँ पर इंटरफेस किया हमने, चूंकि 1 अप्रैल के ही डेट में सारी चीजें हो रही है तो 1 अप्रैल ही रखा है मैंने। और अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो एंट्री पास हुई थी वो किस डेट में हुई थी। दो बार डी प्रेस किया हमने और यही एंट्री है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट जो है 1 अप्रैल का है, ठीक है। मैंने 1 अप्रैल के ही डेट में कर दिया है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि जिस डेट पे आप परचेज करें उसी डेट पे सेल करें, लेकिन मैंने 1 अप्रैल के ही डेट में कर दिया। आप डेट चेंज कर सकते हैं F2 बटन प्रेस करके, फंक्शन बटन बाहर आ जाइए। अब यहां पर आके वी प्रेस कर लेता हूं और फिर वी प्रेस करने के बाद रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस कर लेता हूं, ठीक है। सप्लायर का कोई भी इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब 1 अप्रैल के ही डेट में अगर आप पेमेंट भी कर रहे हो तो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेट चेंज कर लेता हूं। यहां पेमेंट हम करेंगे 1/5 यानी 1 मई के डेट में पेमेंट करेंगे, ठीक है, 2019। एंटरप्रेस किया, अब 1 मई के डेट में हमें पेमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, ठीक है। तो पहला काम कि ये देखिए यहां पर डेटर पार्टी कौन है, ये है, यही है ना, आ गया। कितना रुपया बकाया है इनका, कुल मिला के 29,075.20, यही तो बकाया है। तो ये 29,075.20, तो ये 29,075 मैं पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ गया, देख सकते हैं ये आ गया। अब यहां पे डेबिट आ रहा है तो कैश में पर पेमेंट कर रहे हैं तो ये कैश कर दिया हमने। अगर आप बैंक वगैरह लगाना चाहते हैं उसमें तो बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब जब दोबारा पेमेंट करने जाएंगे, ये देखिए जादू, अब ये दोबारा पेमेंट करने जाएंगे तो अब खाली कितना दिखा रहा है इनके ऊपर, करंट बैलेंस 20 पैसा ही शो कर रहा है। तो इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सारी एंट्रीज पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।